एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी फिर भी उसे रावण बनाया, रावण। तो हमने कहा इसमें परेशानी, बोले परेशानी की तो बात ही, इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता कि चाहे जिसको बना दिया जाता है, आज भी रामलीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा, और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए, बने कौन का कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है। सो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू मोटा था, जा गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है पर अपनी अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी, रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं भैया, तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता, बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं 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 नहीं, फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या है, बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो, आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए, दिन भर यही रटे हो, लोग मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। लोगों का क्या हो गया इस बुद्धू को, रात्रि को जब स्टेज पे मंच पे मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि हाँ सचमुच बड़ा, पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे विनोदी स्वभाव को उनको पता था, सुनो और कोई पाठ तो दिया नहीं, अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम है, मूर्ख बता दे बेगी का है, तिहारो नाम पूछो चाहत अंगद, श्री राम को सहाय हो। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल गया मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं, जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई दस शीस नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सुत सत्य सत्य भाखो बैन, ना ही सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो, और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था, तो कहा कि ना ही सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो, तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत रावण नहीं, गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे, यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए, और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। ये भगवान की इच्छा है, जय विजय उन्हीं के पार्षद है, यही तो रावण कुंभकर्ण है। तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं, तो ये काल की बात, और इसीलिए प्रताप भानु प्रसंग और समय पाए पुनि सुन सोई राजा, और वो आपन अति असमय अनुमानी, फिर समय फिरा ते कल समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयो काल बस वीर। अच्छा एक बात और, किसी ने कहा कि भगवान ने मारीच को देव दुर्लभ गति दे दी, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, तो मारीच कोई भक्त है, मारीच कोई संत है। चलो मान लो कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया, रावण को भी अपने में, ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं? एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं, क्यों? अरे कहा कि इसका सीधा सा अर्थ है, आज भी
कोई श्री राम लीला में खलनायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो उसे बाण ही मारा जाता है, पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि मंच पे उसे मारे फिर पकड़ के पुलिस में बंद कराएं कि साहब ये वो याद है। तो अभिनय का तो उपहार और इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो राम जी भी खुश हो जाते हैं, वाह मारीच क्या अभिनय किया है। कुंभकर्ण